दोस्तों, आईपीएल खत्म होने के जस्ट बाद भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। और ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं इस सीरीज का पूरा शेड्यूल। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जहां ये T20 सीरीज तो इन दोनों ही टीमों के बीच जनवरी के महीने में खेली जानी थी, लेकिन जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरा कर रही थी तो वहां पर भारतीय टीम ने टेस्ट मैच और वनडे सीरीज खेली थी और भारतीय टीम को दोनों ही सीरीज में करारी हार झेलनी पड़ी थी। वहीं इसके बाद T20 सीरीज होनी थी, लेकिन T20 के समय वहां पर कोरोना केस काफी ज्यादा बढ़ने लग गए। इस वजह से T20 सीरीज को कैंसिल कर दिया गया था और इस वजह से T20 सीरीज अब भारत में खेली जाएगी IPL के बाद। और ऐसे में ही दोस्तों अब जानते हैं इस T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल। जहां साउथ अफ्रीका और भारतीय टीम के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच 9 जून को खेला जाएगा दिल्ली के मैदान पर शाम को 7 बजे। वहीं इसके बाद दूसरा T20 मैच 12 जून को खेला जाएगा कटक के मैदान पर शाम को 7 बजे। और वहीं इसके बाद तीसरा T20 मैच 14 जून को खेला जाएगा विशाखापट्टनम में शाम को 7 बजे। और वहीं इसके बाद चौथा T20 मैच 17 तारीख को खेला जाएगा राजकोट के मैदान पर शाम को 7 बजे। और इसके बाद आखिरी और पांचवा T20 मैच 19 जून को खेला जाएगा बेंगलुरु के मैदान पर शाम को 7 बजे। और इस तरह इन दोनों ही टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज पूरे 10 दिन चलेगी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस दौरे पर साउथ अफ्रीका की टीम को धूल चटा पाएगी कि नहीं, आप अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे में अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।